निरंतर बढ़ती जा रही है दूरियां आपके और आपके पति के बीच। अब ऐसा लग रहा है जैसे मामला अब कभी नहीं सुधरेगा। ये रिश्ता अब अंत की ओर जा रहा है। बात बात पर वो तलाक लेने की बात कर रहा है। जहां आपके बिना एक मिनट नहीं गुजरती थी उसकी, ऑफिस से छुट्टियां ले लेता था, जबरदस्ती की छुट्टी, बिना काम की छुट्टी घर में रहने के लिए, ताकि आपके साथ समय बीते। नई शादी हुई थी, दीवाना हो गया था आपका। आप मायके जाती थी, जितने दिन के लिए जाती थी उतने दिन के लिए आपके साथ जाता था और वहीं रहता था, परंतु आपको लेकर ही वापस आता था। कोई भी चीज कह देती थी वो ला कर देता था, कहीं भी घूमने ले जाता था, खर्च करता था आप पर, प्रेम करता था आपसे, आपकी हर बात मानता था, और अब ये सारी चीजें एक कहानी बनकर रह गई। सबकी बातें सुनता है, आपसे दुश्मनी निभाता है, आपकी एक बात नहीं मानता, बदतमीजी की अब कोई सीमा नहीं रह गई है, कुछ भी बोल देता है बिना सोचे समझे। यहाँ से मामला शुरू करता है, आपके मायके वाले को बोल देता है, आपके भाई, आपके पिता, आपके माँ, सबका नाम ले लेता है गुस्से में, और आपको सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, ताकि आपका घर जुड़ा हुआ रहे। बात बात पर कहता, तुम आज छोड़ दो, मैं कल शादी कर लूँ। वो तलाक चाहता है आपसे, और आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए निभाना चाहते हैं। वो खर्चा नहीं देता, आप लंबे समय से मायके में रह रही हैं। बहुत सारी बहनें मुझे मैसेज कर रही हैं कि दीदी मैं 6 साल से 7 साल से 9 साल से कोई 14 साल से मायके में रह रही हैं और नहीं लेने आता है, ना चिट्ठी, ना कोई खत, ना कोई फोन कॉल, और ना ही कोई पैसा, कोई खर्च नहीं देता, मिलने नहीं आता, खबर नहीं लेता है, तो भला इस शादी का क्या मतलब है। फिर भी जब आप शुरुआत करना चाहती हैं, फिर से इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हैं, तब आज का यह प्रयोग आपके लिए। यदि आपके मन सम्मान की उसे कुछ नहीं पड़ी, आपकी इज्जत की कुछ नहीं पड़ी, सड़क पर झगड़े प्रारंभ कर देता है, अपने घर वालों के सामने आपको अपमानित करता है, आपके घर में आपकी सास, ननद, देवर, कोई भी आपको प्यार और सम्मान इसलिए नहीं देते क्योंकि आपका पति ही आपको नहीं पूछता। पति से ही सम्मान है पत्नी का, यदि वही आपको इज्जत नहीं दे रहा तो कोई और आपकी इज्जत क्या करेगा। परेशान हो गई हैं आप, इस रिश्ते को बचाने का हर मुमकिन प्रयास कर चुकी हैं, परंतु रिश्ता अब आकर पहुंच चुका है तलाक की कगार पर। कुछ बहनों के मामले तो इतने खराब हो गए हैं कि मुकदमा चल रहा है, बस कागज पर साइन करने की देरी है, कुछ तारीख और ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। तब भी मेरी बहनें मैसेज कर रही है कि क्या कोई उपाय है इस रिश्ते को बचाने की। तो यदि अंतिम मोड़ पर भी आप इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहती हैं, तब आज का ये दुर्लभ प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ, केवल 3 घूंट पानी उसका नाम लेकर पी लेना। मैंने कहा ना, 1 रुपये का खर्च नहीं करवाऊंगी, कोई परेशान नहीं करूंगी, आपका पति आपके कदमों में होगा। जैसे नई नई शादी हुई थी ना, दीवाना हो गया था, वो आपकी हर बात मानता था, छुप छुप कर आपको देखता था, मायके जाती थी रात रात भर कॉल करता था, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा इस तरह के शब्द कहता था, फिर से वो तुम्हारे प्यार में पागल होगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है और लंबे समय से प्रेम संबंध में चल रहे हैं आप, और अब शादी से इनकार कर रहा है आपका प्रेमी, अब मुकर रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ने से, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, अभी सही समय नहीं है विवाह का, मैं नहीं जानता मैं विवाह करूंगा या नहीं, इस तरह के शब्द यदि वो आपसे बोल रहा है, तब यह प्रयोग आपके लिए। 1 गिलास पानी आपके साथ आपके दाम्पत्य सुख को मजबूत करेगा, आपके साथ न्याय होगा, पति आपके प्यार में गुलामी करेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले के प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर यही काम किया जा रहा है कि घर ना टूटे, आपका रिश्ता नहीं टूटे। किसी का ब्रेकअप कैसे हो, किसी का प्यार कैसे छीन ले, किसी का तलाक कैसे करवा दे, ये सब नहीं बताती मैं आपको, और ना कभी बताऊंगी। घर नहीं टूटने दूंगी आपका।
एक महिला दो घर के सम्मान को लेकर चलती है, अपने पिता का भी चेहरा याद करती है और ससुर की भी इज्जत का ख्याल रखती है, पति का भी भविष्य देखती है और अपने बच्चे जब बड़े होंगे तो वो समाज में सर उठाकर चल पड़े, इसलिए कोई ऐसा काम ना करूं मैं। इस हद तक सोचने वाली महिला के साथ हमेशा न्याय होना चाहिए। तो चलिए आपके साथ भी न्याय होगा, करें एक छोटा सा अद्भुत पति वशीकरण। एक गिलास जल ले ले शुक्रवार के दिन, शीशा का गिलास में, केवल कांच के ही गिलास में आपको जल लेना है, कोई भी पात्र नहीं चलेगा, स्टील भी नहीं चलेगी, उसमें लोहा होता है, कांसा पीतल चांदी कुछ नहीं चलेगा, केवल कांच के एक गिलास में जल भर दें। आपको चाहिए एक लौंग, बहुत पवित्रता के साथ कीजिएगा, सर से स्नान करके जल डालना, स्नान करना, अच्छे से अच्छा वस्त्र धारण करना, सिंदूर लेना, श्रृंगार करना, खूब सुंदर तैयार होकर ये वशीकरण करना, बहुत अद्भुत रूप से कार्य करेगा। एक गिलास जल ले लेना, उसमें एक छोटा लौंग ले लेना, लौंग को जल में अभी नहीं डालना। चलिए इसे अभी मंत्रित करते हैं। दाहिने हाथ की हथेली पर लौंग रखकर मुट्ठी बंद कर लेना, आंखें बंद करना, प्रथम अपने पति का स्मरण करना, उसकी अनुभूति करना और उसको खूब सुंदर से देखने का प्रयास करना। वो तुम्हें फूल दे रहा है, तुमसे बात कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, तुम दोनों साथ बैठकर कुछ खा रही हो, बगीचे में घूम रही हो, कभी तुमसे प्रेम कर रहा है, कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करना। बिल्कुल वो तुमको दिखाई देने लगेगी, उसकी अनुभूति होने लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे कि इस उपाय में तुम अकेले नहीं हो, वह भी है तुम्हारे साथ। जब वो ऐसा दिखाई देने लगे, इस लौंग पर 5 बार पति का नाम लेना और 5 बार फूंक मारना इसी लौंग पर, और इस लौंग को जल में डाल देना। सामने जो जल रखा था तुमने एक ग्लास का, जल वाले जो ग्लास है उस पर दोनों हाथ ऐसे रखकर ग्लास को बंद कर देना। अब जो मैं एक एकाक्षरी मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का 70 बार जप करना, 70 times तुमको जप करना है। ग्लास का मुंह बंद करके तुम्हें कहना है शोम, एकाक्षरी मंत्र, एक अक्षर शोम। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ये किसी भी चीज़ को इतना जागृत कर देता है कि जो इच्छा मन में सोचकर जागृत की है वो चीज़ें सपने साकार हो जाएंगे, उसी समय साकार होंगे। आपको सोम मंत्र से जागृत करना है इस जल को, और बस जल की ओर देखकर 3 घूंट जल पी लेना, इसी जल को, शेष जल को फेंक देना, ये लौंग भी पौधे में डाल देना, केवल 3 घूंट जल पी लेना। केवल इतना करने मात्र से जो दूर जा रहा है वो तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होगा, हर बात मानेगा आपकी, पूर्ण रूप से आपका पति आपके वश में होगा। फिर देखिए कैसे दाम्पत्य सुख मिलता है आपको, आपका जीवन कैसे सवर जाता है। एक ग्लास जल से करें ये अद्भुत चमत्कारिक पति वशीकरण, और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। सुख बरसे आप पर, आप दोनों हमेशा साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।